अच्छा जी, इसके पैरामीटर में चले गए। ये काउंटर है, साथ रे है, और ये साथ सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, एनपीएन सेंसर है। अब इसमें डिफरेंट किस्म के पैरामीटर हैं। अब हमने ये जो ना आउटपुट वाला ये डी रखा है, अब डी पे ये क्या वर्क करता है ये चेक करते हैं। अब डी पे क्या वर्क करेगा? एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये रिले ऑन करवाई इसने और दोबारा रीसेट हो गई। यानी डी वाला जो है ना पैरामीटर, वो ऑटो रीसेट का है। यानी कि 10 से जितनी हमने एलिमेंट सेट की है ना, उसके मुताबिक 10 होंगे तो फिर रिले ऑन होगी, उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब डी के बाद हमारा आ जाता है जी एफ। एफ पे ये क्या वर्क करता है ये चेक करते हैं। ठीक है, अब एफ पे काउंटिंग करवाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये रिले ऑन हुई। यानी डी पे होल्डिंग करवा रहा, बस तीसरा फंक्शन आ गया एन वाला। अब इसका वर्क देते हैं, ये कैसे वर्क करता है। पहले पैरामीटर को सेव कर लें। ठीक हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ले होल्ड हो गई। नहीं, इस पे भी होल्ड ही रही है एन पे। सी पे अब सिलेक्ट किया इसको, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ले ऑन। यानी ये ऑटो कट ऑफ करवा के ना वापस फिर ये काउंटिंग करवा रहा है 10 तक। 10 तक काउंटिंग हुई, ऑटो रीसेट, फिर काउंटिंग की, फिर ये ऑटो रीसेट।